दिल्ली के सभी माननीय विधायकगण का, हमारे सांसदों का, आप सब लोगों का आज बहुत 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 स्वागत है, दिल से स्वागत है दिल्ली में। आप लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहां दिल्ली में रहने खाने का अच्छा इंतजाम है, पूरी टीम लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये आप लोगों की वजह से हुई है, दिल्ली की जनता की वजह से हुई है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। सत्तर में से 67 सीटें, ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत के इतिहास में बताते हैं कि सिक्किम में शायद एक बार हुआ था कि जब 40 से 40 सीटें किसी एक पार्टी को मिली थी, उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है जब 70 में से 67 सीटें किसी पार्टी को मिली हैं। मैंने पहले भी बोला, यह बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है, बहुत डराने वाला है, क्योंकि इसका मतलब जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है। अब हमारी बारी है कि हम जनता को डिलीवर करके दिखाएं। और आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की क्या स्थिति थी। आप लोगों ने भी भुगता होगा, जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी, गलत तो नहीं कह रहा, जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी, मैंने खुद झेला है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जिस बिल्डिंग में मैं कौशाम्बी में रहता हूं, एक दिन नीचे उतरा, आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज सुनाई दे, मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे कि बड़ा हीरो बनने चला था, प्रधानमंत्री बनने चला था, लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत झेला हम लोगों ने, वहां से उठ के 67 सीटें जीतना मुझे लगता है ये हंसी खेलनी था। जनता के विश्वास को दोबारा जीतना ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ठान लिया और आप लोगों ने करके दिखाया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और अभी हमारी सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था कि हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, रात दिन काम कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अपने एक एक विधायक के ऊपर बहुत गर्व है। और यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, पिछले एक महीने से मैंने रोज में दो दो तीन तीन चार चार विधायकों से मिलता हूं, आधा आधा एक एक घंटा मिलता हूं। वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं पूरी विधानसभा की, और उनके साथ डिटेल में मैं चर्चा करता हूं क्या समस्याएं हैं आपकी विधानसभा की। और मैं आपको बता दूं कि उनसे बातचीत में मुझे पता चल जाता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक आध विधायक ऐसे हैं जिन्होंने आके कहा कि जी हमारी क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब उसने काम नहीं किया, इसमें वो घूमा ही नहीं है। ऐसे एक आध को छोड़ के मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा है, और मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र के अंदर मई के महीने में, आज उनको कितने 10-12 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, और हमारी सरकार को बने हुए अभी 1.5 महीना हुआ है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जितने काम उन्होंने 10 महीने में किए उससे कहीं 4 गुना 5 गुना काम हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर करके दिखा दिए होंगे। आप लोगों को एक ये लिस्ट दी गई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.5 महीने में क्या क्या किया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं 2-4 अहम बिंदु आपको बता दूं। हमारा सबसे बड़ा वादा था कि हम लोग बिजली के बिल आधे कर देंगे, हमने बिजली के बिल आधे कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। हमारा दूसरा वादा था
कि हम हर परिवार को 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देंगे। हमने वो वादा भी पूरा कर दिया। अब अप्रैल के महीने में जो दिल्ली के लोगों के बिल आएंगे बिजली और पानी के, वो काफी कम बिल आएंगे। इसमें दो तीन चीजें लिखी हुई, लेकिन वो चूंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपने अपने इलाकों के अंदर झुग्गी वालों के लिए लड़े होंगे, हम भी बहुत लड़े हैं। झुग्गियां तोड़ने की कोशिश करती है सरकार, हम उन्हें बचाने के लिए कभी बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं। कितना गिड़गिड़ाते हैं हम अथॉरिटीज के सामने। सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर हमने पूरी दिल्ली के अंदर आदेश पारित कर दिए कि एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। हम सब लोग राशन माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। हमें पता है कि लोगों के राशन कार्ड, राशन वाला सबके राशन कार्ड अपने घर में रख लेता है और फिर उनके राशन कार्ड पे राशन निकलवाता रहता है, लोगों को राशन नहीं मिलता। ठीक कह रहा हूं ना? वो अब सबके राशन कार्ड रख लेता है। 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने फूड कमिश्नर के साथ मीटिंग करी और कल हम लोगों ने दिल्ली में ई राशन कार्ड का उद्घाटन किया है। अब आपको राशन कार्ड लेने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही आपका राशन कार्ड बनेगा, आपका SMS आ जाएगा, उसमें एक नंबर होगा, आप वेबसाइट पे जाइए, वो नंबर फीड कीजिए, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा राशन कार्ड का, आप उसको लैमिनेट करा लीजिए, वो आपका राशन कार्ड बन गया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल उसका भी उद्घाटन हुआ है। हमने कहा था बसों के अंदर, हर बस के अंदर हम एक मार्शल देंगे, सिक्योरिटी मार्शल। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, वो मार्शल उसको पकड़ के उस लड़के को थाने में बंद करा देगा। पूरी दिल्ली के अंदर हर बस के अंदर सिक्योरिटी मार्शल का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मार्शलों की अब ट्रेनिंग होने जा रही है और मुझे लगता है महीने भर के अंदर दिल्ली की हर मार्शल में लड़कियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल नियुक्त कर दिए जाएंगे। 200 प्राइवेट स्कूलों को जो मनमानी फीस जनता से ले रहे थे, अनाप शनाप फीस बढ़ा रहे थे, उन 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और एक स्कूल की प्रिंसिपल जिसका स्टिंग आया था सामने, जो 65,000 रुपए डोनेशन मांग रही है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और शायद वो गिरफ्तार होने वाली है। दिल्ली के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हम अक्सर कहते हैं कि SDM के यहां सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, वहां पैसे देने पड़ते हैं। अब SDM के आपको सर्टिफिकेट लेकर लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे वेबसाइट के ऊपर ले सकते हैं। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हफ्ते में होने वाला है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी, मुझे लगता है 1,000 से भी कम लोगों को ई रिक्शे के लाइसेंस दिए गए थे। 600 ई रिक्शे के लाइसेंस दिए थे पिछली सरकार ने 6 महीने के अंदर। हमारी सरकार ने 1 महीने के अंदर 25,000 लोगों को ई रिक्शे के लाइसेंस दे दिए। आप सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है, बदले में उन्हें 25% गरीबों का इलाज करना पड़ता है, लेकिन कोई अस्पताल गरीबों का इलाज नहीं करता। या तो गरीबों को घुसने ही नहीं देते, या जो 25% कोटा है उसमें मंत्रियों के बच्चे, मंत्रियों के रिश्तेदार, अफसरों के बच्चों का इलाज किया जाता है गरीब दिखा के। सतिंदर जैन ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं, वहां से हम गरीबों को इन प्राइवेट अस्पतालों में भेजना चालू करेंगे, उनके सारे बेड हम भरेंगे। इस तरह के ढेर सारे चीजों के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारे विधायकगण अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे जब इतने सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो शायद अखबारों में और टीवी में हम लोगों को अपने काम की वजह से न्यूज में होना चाहिए था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ऐसे समय में जब सारी पार्टी को एकजुट होकर
हमारी पार्टी में बहुत टैलेंट है, किस्म किस्म के लोग आए हुए हैं। आप डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, प्रोफेशनल्स ले लो, किस्म किस्म के लोग हैं और सारे फ्री में काम करने को तैयार हैं। कल तमिलनाडु से डॉक्टर आनंद आए हुए थे, यहां बैठे हैं तो पता नहीं, वो पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में अपनी नौकरी छोड़ के दिल्ली में फ्री में आपके हेल्थ सेक्टर में आपको सुझाव देने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो जब दिल्ली की जनता ने हमें इतना भरोसा दिया, मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को एक मॉडल शहर, मॉडल राज्य बना देना चाहिए था पूरे देश का। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई, उसके बाद बीजेपी एक के बाद एक के बाद एक राज्य जीतती गई। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी का रथ कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का रथ रोक के दिखा दिया था। पूरे देश में भारी उत्साह हुआ था दिल्ली की जीत के बाद। पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया था कि बीजेपी को भी रोका जा सकता है, बीजेपी का रथ भी रोका जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्रों के मुताबिक, आपके भी अपने सूत्रों के, कांग्रेस और बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई थी दिल्ली के चुनाव के बाद। दोनों पार्टियां हिल गई थी कि ये क्या हो गया, 70 में से 67 सीट आ गई, ये क्या हो गया। लेकिन उन्हें ज्यादा दिन चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका काम हमारे अपनों ने ही कर दिया। मैं ये सोच रहा था पिछले 1.5 महीने में जो कुछ हुआ उसका फायदा किसको मिला? क्या केजरीवाल मजबूत हुआ? क्या आम आदमी पार्टी मजबूत हुई? क्या प्रशांत भूषण मजबूत हुए? क्या योगेंद्र यादव मजबूत हुए? इससे क्या इंटरनल डेमोक्रेसी आ गई? स्वराज आ गया? हम सब बदनाम हुए। मुझे लगता है जो कुछ भी 1.5 महीने में हुआ, दूसरी पार्टियों को लगेगा कि यार अगर इसी को इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं तो तौबा तौबा इस इनर पार्टी डेमोक्रेसी से। अगर इसी को स्वराज कहते हैं तो भगवान बचाए इस स्वराज से। इससे किसको फायदा हुआ? इससे मोदी को फायदा हुआ, गलत तो नहीं कह रहा। इससे किसको फायदा हुआ? इससे बीजेपी को फायदा हुआ, इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, इससे अंबानी को फायदा हुआ। मैं आज तक चुप था और मैंने बाहर कुछ नहीं बोला। आप लोग अपने हैं इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें कहने की इजाजत चाहता हूं। आप सब लोग मेरे अपने हैं, मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ व्यथा रखना चाहता हूं। जो कुछ ये लड़ाई हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। और ये पिछले 1.5 महीने से नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं कुछ कड़वी बातें कहूंगा, मैं पहले ही माफी मांगता हूं, अक्सर मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। पिछले 1 साल से यह सब हो रहा है। एक साल पहले हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार बनी थी। फरवरी के महीने में पिछले साल मुझे बाद में इस इंसिडेंट के 4-5 महीने बाद यह इंसिडेंट पता चला। फरवरी के महीने में हमने बहुत यकीन किया अपने साथियों के ऊपर। योगेंद्र यादव जी के एक पीए होते थे विजय रमन, बहुत समझदार व्यक्ति थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। उन्होंने सत्या नाम के हमारे एक वॉलंटियर को फोन किया और उन्होंने कहा
कि आप आइए, योगेंद्र जी आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, पिछले साल फरवरी के महीने में जब मैं मुख्यमंत्री था 49 दिन के लिए। सत्या पहुंचे तो उन्होंने विजय रमन जी से पूछा कि किस चीज का इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वैसे उनकी पॉलिटिकल समझ अच्छी नहीं है, अब उन्हें नेशनल कन्वीनर से हटाकर योगेंद्र जी को नेशनल कन्वीनर बनाया जाएगा, तो उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार किया जा रहा है, आपको उनके सेक्रेटेरिएट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। क्योंकि सत्या यहां पे नेशनल काउंसिल के मेंबर नहीं है, वो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और मुझ पर खूब हमले किए गए, अपनों ने हमले किए, मुझे ईमेल लिखते थे और ईमेल लिख कर देते थे, मेरी पर्सनालिटी पे हमले किए गए, मेरे व्यक्तित्व पे हमले किए गए, मेरे नेतृत्व पे हमले किए गए, मेरी कार्यशैली पे हमले किए गए। जून के पहले हफ्ते में शायद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जंगपुरा में मीटिंग हुई, ये कई अखबारों में छपा, बात उठी कि मैं वहां पे टूट गया था, मैं वहां पे बहुत रोया, ये बात सच है। बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहां टूट गया। मैंने वहां एक ही बात कही, मेरे में मोदी से लड़ने की क्षमता है, मैं मोदी से लड़ सकता हूं, मैं नितिन गडकरी से लड़ सकता हूं, मैं सलमान खुर्शीद से लड़ सकता हूं, मैं रॉबर्ट वाड्रा से लड़ सकता हूं, मैं मुकेश अंबानी से भी लड़ सकता हूं, पर मैं यहां प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से लड़ने नहीं आया था, यह लड़ाई मैं नहीं करना चाहता। और ये कहकर मैं वहां से बाहर निकल गया, मैं घर आया और घर में मैंने अपने परिवार वालों से उस रात को बात की और मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। मेरे परिवार वाले भी तय हो गए, हम लोगों ने तय कर लिया था। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव 6 बजे मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप पार्टी मत छोड़िए। काफी देर उनके कन्विंस करने के बाद मैं माना। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, मैंने कहा अगर हमें दिल्ली के चुनाव लड़ने हैं तो दिल्ली के चुनावों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे होना चाहिए, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आप लोग चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, दूसरा दिन था। पहले तो मैंने सोचा था कि अगले दिन 10 मिनट के लिए जाऊंगा और अपना इस्तीफा अनाउंस करके आ जाऊंगा, लेकिन इन दोनों के बहुत मनाने के बाद मैं अगले दिन गया और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को होगा। यह प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की मिनट्स ऑफ मिनट में मीटिंग में। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई, उसको पूरा समर्थन दिया गया, बाद में टीवी में निकल के आया है कि अवाम के लोग पूर्व बीजेपी के सदस्य थे, अवाम को बीजेपी फंडिंग कर रही है। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए, तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। रोज धमकियां दी जाती थी, अगर ये नहीं किया तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये तो जनतंत्र नहीं है।
ये तो स्वराज नहीं है। हमारे 15 सीनियर लीडर पूरे देश भर से दिल्ली आए और 2 दिन या 3 दिन तक पूरा पूरा दिन प्रशांत जी को, शांति जी को मनाते रहे कि पार्टी को बर्बाद मत कीजिए, इतिहास रचा जा रहा है। ऐसे समय में जब हमारे नेताओं को पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था, वो उनको मनाने में लगे हुए थे। हमारे 12 कैंडिडेट्स के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए। मैं यहां पे सत्ता लेने के लिए नहीं आया। मैंने पहले इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगर सत्ता का लालच होता तो कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मुझे। हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? आज तक इस देश के अंदर चाहे 100 लोग कोई कहता है मैं जिद्दी हूं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन बीजेपी वालों ने भी, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल बेईमान है। लेकिन अपने लोगों ने मेरी ईमानदारी के ऊपर शक किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमने कई लोगों के ऐसे टिकट काटे जो आप लोगों को पता भी नहीं है। नाम लेना ठीक नहीं है, कैंडिडेट है, उसके इलाके में आप चले जाइए, सारी जनता उसकी खूब तारीफ करती है। जीतने वाला कैंडिडेट था, जो मर्जी आप इंक्वायरी करा लीजिए, कहीं से आपको कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी टीम ने जब वहां के थाने में पता किया तो वहां के थानेदार ने हमें बताया कि साहब इसके सारे धंधे बेनामी चलते हैं, जुए के अड्डे चलाता है, शराब के अड्डे चलाता है, उसको हमने टिकट नहीं दिया। हमने अपनी खूब जांच कराई थी, मैंने अपने चाचे के लड़के को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने ताऊ के लड़के को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने दोस्तों को टिकट नहीं दिया, मैंने पैसे लेके टिकट नहीं दिया। ये जो पीछे 70 लोग बैठे हैं इनसे कोई मेरी रिश्तेदारी थोड़ी है जी, ये कोई मेरे रिश्ते, मेरे सगे थोड़ी लगते हैं ये। एक 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 आदमी को हमने जांचा परखा, कहा गया कि हमें तो जीत इंपॉर्टेंट है। हां, हम जीतने के लिए आए हैं, हम हारने के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करता। 1350